गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखो गाइस, क्या है ना कि जो भी चीज़ें हम लोगों को करना रहती है वो स्वयं हम लोगों को करना रहेगा। जो भी आप लोग करना चाहते हो, जो भी आप सक्सेस जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, तो वो जो हिडन कमान है वो आपके अंदर छुपा है ना। तो वो आपको बाहर निकालना है कि मैं उस हिडन कमान को कैसे बाहर निकालूं। इतना क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का हम प्रिपरेशन भी करते हैं, किसी में हम सक्सेस भी होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, है ना। जब प्रिपरेशन करते हैं तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हम लोगों के मतलब जो कोई टेस्ट वगैरह हम अटेंड करते हैं तो किसी में कम नंबर आते हैं, किसी में ज़्यादा नंबर आते हैं, तो इनसे हम लोगों को डिमोरलाइज नहीं होना है, बल्कि ये जो हमारे वीकनेस पॉइंट है, इस वीकनेस पॉइंट को हम लोगों को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाना है। जब हमारे वीकनेस पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे सपोज करोगे, मैंने आपको बताया कि कोई भी मतलब क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो कि कोई मतलब आपको मतलब 100 फीट पे भी पानी निकालना है, किसी जमीन में आपको लेन कर होल करना है, वहां से पानी निकालना है, आपके करना कि 10 जगह अलग अलग गड्ढे खोद देना, वहां से पानी निकाल देना। सो क्योंकि मैंने बोला ना 100 फीट पे पानी निकलेगा, ऐसा होगा क्या कि 10 जगह अलग अलग गड्ढे खोदने से पानी निकलेगा? नहीं। तो उस प्रकार से क्या होगा कि एक जगह गड्ढा खोदोगे वही से मतलब क्या होगा, मतलब 100 फीट पे पानी निकल आएगा। तो वैसे आपका जो फोकस होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए कि मेरा गोल ये है, मेरे को इसी फील्ड में जाना है। जैसे आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को पूरा कंप्लीट करके रखो, चाहे एग्रीकल्चर कहीं से भी पूछे, आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट होना ही चाहिए। अब चाहे हम बीएचयू की हम बात करेंगे, एमएससी एंट्रेंस की हम बात करेंगे, या तो गवर्नमेंट की हम बात करें, सभी में क्या होगा, मेरे तरीके से वो जो टॉपिक आपने एग्रीकल्चर जो पढ़ा हुआ है वो सभी एग्जाम के लिए का बन जाएगा, एक धमाका बन जाएगा।